नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इच्छाधारी। और ये नागराज के बेहतरीन कॉमिक्सों में से एक है और ये मेरी फेवरेट कॉमिक्सों में से भी एक कॉमिक्स है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, नागराज की असाधारण शक्तियाँ कई हैं, जैसे कि सर्प सेना, सर्प रस्सी, विष फुंकार, विष दंश, दीवारों पर चढ़ सकने की शक्ति, हजारों नागों की शारीरिक शक्ति, सम्मोहन शक्ति, इच्छाधारी शक्ति। और इन शक्तियों में सबसे शक्तिशाली है इच्छाधारी शक्ति। इच्छाधारी यानी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकने की शक्ति। लेकिन नागराज ने इस इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग ना करने की शपथ खाई है, और इस शपथ को उसने सिर्फ एक बार ही तोड़ा है, और वो भी अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों की रक्षा के लिए। परंतु नागराज ने ऐसी शपथ क्यों ली? आज इसी शपथ के कारण नागराज की जान जाएगी, क्योंकि अगर नागराज को अपने दुश्मन को हराना है तो उसे बनना ही पड़ेगा इच्छाधारी। नागराज की शक्तियों के बारे में गुंडे और अपराधी तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आम जनता को ज़्यादा नहीं पता है। इसलिए भारतीय चैनल ने नागराज के इंटरव्यू पर आधारित इस प्रोग्राम को बनाया है, जिसका सीधा प्रसारण हो रहा है। हाँ भारती, मेरी कलाइयों से नाग सेना भी निकलती है और नाग रस्सी भी। मैं इन दोनों शक्तियों का परिस्थिति के अनुसार ही उपयोग करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ मारक हथियार भी है, जैसे नागफणी सर्प, जो अधिकतर चीज़ों को काट सकते हैं, किसी के गर्दन को भी। मेरी विष फुंकार भी सभी जीवित प्राणियों के लिए काफ़ी खतरनाक है। इसकी मात्रा को घटा बढ़ाकर मैं किसी को बेहोश कर सकता हूँ या मार भी सकता हूँ। वाओ, इसके अलावा और कौन सी मारक शक्तियाँ हैं तुम्हारे अंदर नागराज? मेरा विष दंश भारती, ये मेरा सबसे खतरनाक हथियार है। अगर मैं किसी भी जीवित प्राणी को काटकर उसके शरीर में अपना विष पहुंचा दूं, तो उसका शरीर गल जाएगा। नागराज, ये तो नागराज है। इस प्रोग्राम का भारतीय चैनल से सीधा प्रसारण हो रहा है, और भारतीय चैनल का स्टूडियो यही महानगर में ही है, यानी नागराज महानगर में ही है। और मैं इतने दिनों तक राजनगर में उसको ढूंढ ढूंढ कर अपना समय खराब करता रहा। इसके अलावा मेरे पास कुछ शक्तियाँ और हैं, जैसे हाथों को दीवारों पर चिपकाकर दीवार पर चढ़ सकने की शक्ति। इसके जरिए मैं छत पर भी चिपक सकता हूँ। और मेरी महाशक्ति है सम्मोहन की शक्ति। इसके जरिए मैं किसी को भी सम्मोहित कर सकता हूँ, अपने आप को भी, खुद को भी। वो कैसे? अगर मैं शीशे में अपनी ही आंखों में आंखें डालकर अपने आप को सम्मोहित करके कोई आदेश दूं, तो मैं खुद अपने ही उस आदेश का पालन करने पर बाध्य होऊंगा। आश्चर्यजनक बात है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारी एक शक्ति और है नागराज, एक महाशक्ति, तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति। तुम अब उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? मैं नागराज, क्या हुआ तुमको? ट्रांसमिशन रोक दो, रुकावट वाला स्पॉट लगा दो, जल्दी। अचानक तबीयत खराब हो गई है नागराज की। परवाह नहीं, अब तो मुझे नागराज का पता चल ही गया है। अब मैं इसको वहाँ पर बुलाऊंगा जहाँ पर ये इच्छाधारी रूप रखने पर मजबूर हो जाए। पर अभी मैं इसके सामने नहीं आऊँगा। पहले चेक करूँगा कि इसके पास कोई नई शक्ति तो नहीं आ गई है। उसको देख रही है छुरिया, कैसा लगता है? अच्छा शिकार है। चल, इसको घेर कर पीछे गली में ले जाकर लूटते हैं। अगर तू चाहता है कि तेरी जान तेरी बदन के पिंजरे के अंदर ही रहे, तो चुपचाप हमारे साथ पीछे गली में आ जा। चलो, और पीछे वाली गली में इसकी जेबें तो खाली है गोली, तो इसके कोट पैंट उतार लो, 200-250 में तो बिक ही जाएंगे। वो तो मैं तुमको इनाम में दे दूंगा, अगर तुम मेरी सूरत देखकर अपने पैरों पर खड़े रह पाओ, या मेरा असली रूप देखने के बाद अपने होशो हवास कायम रख पाओ। छुरिया, भाग। भागोगे?
सी थ्रू से बचकर कहाँ भागोगे? दोनों गुंडे ज्यादा दूर तक भाग नहीं सके। खस खसाक। और अपना काम करने के बाद वो प्राणी भी धूल धूल होकर हवा में बिखर गया। इन मच्छरों पर मुझे अपनी शक्ति व्यर्थ करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इतने दिनों बाद अपनी शक्ति आजमाने का मौका मैं छोड़ नहीं सका। अब समय आ गया है नागराज से वो शक्ति छीनने का जो मुझे मेरा शरीर वापस दे सकती है, उसकी इच्छाधारी शक्ति। और उसके लिए मैं ढूंढूंगा एक ऐसा हमलावर जो नागराज को इच्छाधारी रूप में आने पर मजबूर कर दे। और भारती चैनल के स्टूडियो में। फिक्र मत करो भारती, अब मैं ठीक हूं। लेकिन तुमको हुआ क्या था नागराज? कुछ नहीं भारती, लेकिन मुझे खेद है कि मेरी वजह से तुम्हारा फेस टू फेस प्रोग्राम अधूरा रह गया। उसको तो हम कल सुबह भी दिखा सकते हैं। अभी तुमको भी महानगर में अपनी रात की गश्त लगानी है और मुझको भी कल सुबह पुरानी नगरी जाने की तैयारी करनी है। पुरानी नगरी? ये कहाँ पर है? ओह, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि महानगर में आए हुए अभी तुमको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। महानगर की दक्षिणी सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर एक बहुत बड़ा पथरीला इलाका है, चट्टानों से भरा हुआ। वहीं पर कुछ पुरातत्व वेताओं को लगभग 3000 साल पुरानी एक प्राचीन नगरी के खंडहर मिले हैं। उसी को पुरानी नगरी कहते हैं। हम उसी पुरानी नगरी पर एक फिल्म बना रहे हैं। थोड़ी सी शूटिंग बाकी है जो कल खत्म हो जाएगी। ओह, यानी वो वीरान जगह अब अच्छी खासी टूरिस्ट प्लेस बन गई है? नहीं, वो जगह वीरान नहीं है। वहाँ पर दो तीन कबीले रहते हैं और चट्टानों के बीच में रहती हैं विशालकाय प्रागैतिहासिक छिपकलियाँ। उन कबीले वालों ने उन छिपकलियों को पालतू बना लेने की कला सीख रखी है। वे अपना सारा भारी काम उनसे ही कराते हैं। कमाल है, पुरानी नगरी सुनने में काफ़ी दिलचस्प लगती है और ख़तरनाक भी। दिलचस्प तो है पर खतरा बिल्कुल नहीं। वे कबीले वाले बहुत बहुत सीधे स्वभाव के हैं और उनके साथ रहो तो छिपकलियाँ का भी डर नहीं होता। पिछले 2 सालों में हजारों लोग पुरानी नगरी जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई दुर्घटना सुनने में नहीं आई। ओके भारती, बेस्ट ऑफ लक, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। नागराज को अगली सुबह भारती से मिलना तो था, लेकिन स्टूडियो में नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि अगली सुबह। क्रिंग क्रिंग। ओफ, ये सुबह सुबह राज को कौन याद कर रहा है? ये फोन राज के लिए नहीं बल्कि नागराज के लिए था। हेलो नागराज, मैं भारती हूँ, पुरानी नगरी से अपने मोबाइल फोन पर बोल रही हूँ। क्या हुआ भारती? हमको कुछ कबीले वालों ने बंधक बना लिया है और हमसे तुमको बुलाने को कहा है। मुझे? वे मेरे बारे में कैसे जान गए? पता नहीं, हम एक ऊंची चट्टान के ऊपर हैं। हमारी जीप ठीक चट्टान के बगल में खड़ी है। तुमको उसी से हमारा पता। बस खौतम बात खौतम। भारती भारती। नागराज ने पुरानी नगरी की तरफ रवाना होने में पल भी व्यर्थ नहीं किया। भारती मुसीबत में है, मुझे तुरंत पुरानी नगरी पहुंचना होगा, लेकिन रास्ते में मुझे पुलिस को सूचित करते हुए जाना चाहिए। शायद कबीले वालों के खिलाफ मुझे उनकी मदद की जरूरत पड़ जाए। नागराज पुलिस को सूचित करता हुआ शीघ्र ही पुरानी नगरी पहुंच गया। पुरानी नगरी तो यही लगती है। अब उस ऊंची चट्टान की तलाश की जाए जिसके पास भारतीय कम्युनिकेशन की जीप खड़ी है। ये रही वो चट्टान। ओह, ये तो अद्भुत चट्टान है, इस पर चढ़ पाना असंभव है। इस पर वे कबीले वाले भारती को लेकर चढ़े कैसे होंगे? खैर, अच्छा हुआ कि भारती ने पुलिस के बजाय मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे लिए इस चट्टान पर चुपचाप ऊपर चढ़ना बाएं हाथ का काम है। दीवारों पर हाथ जमाकर चढ़ लेने वाला नागराज चट्टान पर चिपक कर ऊपर चढ़ने लगा। और इससे पहले कि आदिवासियों को भनक भी लग पाती, नागराज उन पर टूट पड़ा था। धड़ाक।
कबीले वालों ने जवाबी हमला तो जरूर किया, लेकिन वे हमले नागराज पर बेअसर थे। धार, लेकिन नागराज के वार आदिवासियों को चित करने के लिए काफी थे। कुछ ही देर में सारे पहरेदार बेहोश पड़े हुए थे। नागराज, भारती, तुम तो कहती थी कि ये कबीले वाले बड़े भले हैं, फिर इन लोगों ने तुमको बंधक क्यों बनाया? ये कह रहे थे कि इनको देवता ने कहा है कि हमको पकड़कर नागराज को बुलाओ। देवता ने? कौन, कैसा देवता? देवता जिसका सिर्फ सिर दिखता है, आदमी की खोपड़ी जैसा सिर। देवता का हौलिया सुनते ही नागराज की आंखें सिकुड़ गई। सिर्फ सिर वाला देवता? ओह, पर ये आदिवासी और तुम लोग ऊपर कैसे चढ़े? इस चट्टान पर तो चढ़ पाना असंभव काम है। हमारे लिए होगा नागराज, लेकिन उन प्रगतिहासिक छिपकलियों के लिए नहीं जो इन चट्टानों के ऊपर ही रहती हैं। ये कबीले वाले उन छिपकलियों को सधा सकते हैं। ये आदिवासी हमको एक ऐसी ही छिपकली के ऊपर बैठा कर यहाँ तक लाए हैं। ओह, वो छिपकली इस वक्त कहाँ है? छिपकली यहाँ पर है नागराज, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ोगे। हे देवकालजई, ये तो हार्नर टोड है, एक खतरनाक छिपकली, और साथ ही साथ ये विशालकाय भी है, और ये मुझ पर ही हमला करने आ रही है। भारती, पीछे हो जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। ये एक ट्रेन छिपकली है, यानी अगर इसके ट्रेनर को मैं रास्ते से हटा दूँ तो इस छिपकली को इशारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तड़ाक, अब ये छिपकली च्यों? ओह, इस पर तो ट्रेनर के बेहोश होने का कोई असर नहीं हुआ। शायद इसको मुझ पर हमला करने के लिए पहले से ही ट्रेंड किया जा चुका है। अब मुझे पलटकर इस पर हमला करना ही होगा। फूं, मेरी विष फुंकार का इस पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। ये छिपकली खुद भी जहरीली होती है, इसलिए इस पर मेरे विष का असर एक विषहीन प्राणी की तुलना में देर से होगा, और तब तक इसका भारी पंजा मेरी खोपड़ी को तोड़कर मुझे यहाँ से तो क्या, इस दुनिया से ही रुखसत कर देगा। सर्प सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसी उम्मीद थी मुझे वैसा ही हुआ। मेरी नाग सेना इसके कटीले शरीर का सामना कर पाने में असमर्थ है, इसलिए अब मुझे भी सहारा लेना होगा अपने कटीले हथियारों का, यानी नागफणी सर्पों का, जिसके कटीले शरीर इस छिपकली के शरीर को छलनी छलनी कर देंगे। लेकिन नागराज की ये उम्मीद भी पानी के बुलबुले की तरह तुरंत खत्म हो गई। नागफणी सर्प हार्नर टोट के शरीर पर हल्की खरासे डालने के अलावा और कुछ ना कर पाए। मेरी शक्तियाँ बहुत तेजी से खत्म हो रही है। इस पर सम्मोहन शक्ति असरकारक साबित हो सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे इसकी आंखों में कम से कम 3-4 सेकेंड तक लगातार देखना होगा, और ये उतनी देर तक स्थिर खड़ा नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूं? आखिरी उपाय इस्तेमाल करके देखता हूं। वैसे भी मेरे उस अस्त्र का वार कभी विफल नहीं होता, और वो अस्त्र है मेरा बीजदंत। एक बार मेरा विष इसके खून में प्रवेश कर जाए तो फिर इसका बदन गलते ज़्यादा देर नहीं। अरे, इसका सारा शरीर कड़े सलकों से ढका हुआ है, और इसकी खाल भी बहुत मोटी है। मेरे दांत इसके मांस तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। गुफा के अंदर से ये दृश्य देख रहे सीथ्रू के हड़ीले चेहरे पर एक मुस्कान सी उभर आई। तेरी सारी कोशिशें इस पर बेकार साबित होंगी। मैंने बहुत सोच समझकर तेरे लिए ऐसा दुश्मन ढूंढा है। अब तेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, इच्छाधारी रूप का प्रयोग कर, ताकि मैं तेरी इच्छाधारी शक्ति को खींच सकूं। लेकिन सीथ्रू को ये पता नहीं चल पाया कि नागराज इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करता या नहीं करता, क्योंकि उसी वक्त हार्नर टोट का भारी पंजा नागराज के सिर से टकराया, और नागराज का हवा में उड़ता शरीर चट्टान से नीचे गिरने लगा। तड़ाक, इस भीषण वार ने नागराज की चेतना को कुछ पलों के लिए छीन लिया, और नागराज का लगभग बेहोश शरीर पथरीली जमीन से टकराने के लिए तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। ओह,
नागराज, होश में आओ नागराज। भारती की चीख से नागराज के होशोहवास कुछ हद तक वापस आए। ओह, कुछ ही पल हैं मेरे जमीन से टकराने में, लेकिन मैं जमीन से टकराऊंगा नहीं। नागरसी ने चट्टान के उभार को कस लिया और नागराज हवा में गोल घूमकर वापस चट्टान पर अटका। उफ, सिर अभी भी दर्द से फटा जा रहा है, शायद अंदरूनी चोट लगी है। मैं इस वक्त इस छिपकली का मुकाबला करने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन हार्नर टोट के इस हमले ने मुझे इसको खत्म करने का रास्ता साफ दिखा दिया है। ये तरीका तो मुझे शुरू में ही इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चट्टान से नीचे गिर सकता हूँ तो ये छिपकली भी नीचे गिर सकती है। च्यों, आजा आजा। नागराज की ललकार सुनकर छिपकली नागराज पर हमला करने के लिए आगे लपकी और उसी पल नागरस्सी उसके अगले पैरों में आ फंसी और हार्नर टोड अपना संतुलन खोकर चट्टान से नीचे जा गिरा। अपने विशालकाय शरीर के कारण ये नीचे गिरकर मरेगी तो नहीं, लेकिन इतनी घायल जरूर हो जाएगी कि दोबारा ऊपर चढ़कर हमको परेशान ना कर सके। तुमने हम सबको एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया नागराज। तुम लोगों को इस छिपकली से कोई खतरा नहीं था भारती, ये तो सिर्फ मुझ पर हमला करने। तुम्हारे सिर को क्या हुआ नागराज? ओह, याद आया, इस छिपकली ने तुम्हारे सिर पर वार किया था। लगता है तुमको जोर की चोट लगी है, हमको तुरंत डॉक्टर के पास चलना चाहिए। और गुफा के अंदर सीथ्रू का अदृश्य खून खोल रहा था। नागराज ने बिना इच्छाधारी रूप धारण किए हार्नर टोट को पछाड़ दिया, लेकिन मैं इसको यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं इस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करूंगा, इसको इच्छाधारी रूप धारण करना ही पड़ेगा। अरे, ये घरघराहट की आवाज़ कैसी है? ये घरघराहट उस पुलिस हेलीकॉप्टर की थी जो नागराज के पीछे पीछे पुरानी नगरी तक आ गया था। वाह, पुलिस हेलीकॉप्टर, इसको ज़रूर तुमने ही बुलाया होगा। अब हम डॉक्टर तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। सीथ्रो ने अपने आप को फिलहाल संभाल लिया था। पुलिस आ गई है, इनके सामने नागराज पर हमला करके मैं इस मामले को खामखा उलझाना नहीं चाहता। नागराज को अब कहीं और घेरना होगा। खैर, जहां इतने दिन इंतजार किया वहां एक दो और सही। और सी थ्रू के देखते देखते पुलिस हेलीकॉप्टर नागराज भारती और उसके सहायक को लेकर महानगर की तरफ उड़ चला, जहां पर नागराज को तुरंत मिलना था स्नेक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणा करण से, जिन्होंने नागराज के पूरे शरीर का विश्लेषण किया था। मेरी कैट स्कैन मशीन तो तुम्हारे सिर के अंदर लगी किसी चोट का पता नहीं लगा पा रही है, और मेरे ख्याल से तुमको कोई अंदरूनी चोट लगी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि तुम अपने सिर का चेकअप एक बार डॉक्टर कार्तिक से करा लो। वे एक टॉप क्लास के ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से को बारीकी से चेक कर सकती है। इससे ये पता लग जाता है कि चोट का असर मस्तिष्क के किस भाग पर हुआ है। मैं उनको फ़ोन भी कर देता हूँ। ये रहा उसका पता, तुम तुरंत जाकर उनसे मिल सकते हो। ठीक है डॉक्टर करुणाकरण, आप कहते हैं तो मैं जाकर उनसे मिल लेता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, नागराज को ज़्यादा चोट लगी है क्या? नहीं मिस भारती, मुझे तो किसी चोट का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी मैं इनको दूसरे डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ। कल रात एक इंटरव्यू के दौरान बोलते बोलते नागराज की आवाज़ भी बंद हो गई थी डॉक्टर। अच्छा, इस बारे में नागराज ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर हुआ उसका कारण मुझे पता है डॉक्टर साहब, पर वो कारण मैं नहीं बता सकता। तुम चलो भारती, मैं डॉक्टर कार्तिक से मिलकर आता हूँ। नागराज को डॉक्टर कार्तिक के पास पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आओ नागराज, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। अभी अभी डॉक्टर करुणाकरण का फ़ोन आया था मेरे पास। मैं जानता हूँ, पता नहीं डॉक्टर करुणाकरण ने मुझे एक ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास भेजने की ज़रूरत क्यों समझी। मैं एक न्यूरो
मैं एक न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़रूर हूँ नागराज, लेकिन उससे पहले मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं आम डॉक्टरों की तरह क्लिनिक में बैठकर मरीजों को नहीं देखता, बल्कि मैं मस्तिष्क के उपचार से संबंधित नई नई मशीनों के आविष्कार में व्यस्त रहता हूँ। मैंने ऐसी ऐसी मशीनें ईजाद की है जो किसी भी मस्तिष्क का बारीकी से निरीक्षण कर सकती है। आओ, मैं सबसे पहले तुम्हारे मस्तिष्क के अलग अलग भागों की जांच करके किसी चोट का पता लगाता हूँ। डॉक्टर कार्तिक ने नागराज का परीक्षण शुरू कर दिया। चोट का निशान तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पर तुम्हारे मस्तिष्क की संरचना विलक्षण है नागराज, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे कई भाग दिख रहे हैं जो आम आदमी के मस्तिष्क में नहीं होते हैं। ये हिस्से जरूर तुम्हारे अति मानवीय यानी सुपर ह्यूमन पावरों को कंट्रोल करने वाले हिस्से हैं। लेकिन ये क्या है? तुम्हारे सिर के चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। मेरे इच्छाधारी शक्ति का सुरक्षा कवच होगा डॉक्टर कार्तिक, जो मेरे सिर को किसी भी हमले या आघात से बचाए रखता है। इच्छाधारी शक्ति, ये क्या होती है? खैर, अभी इसकी भी जांच कर लेता हूँ। ये ऑरा यानी अदृश्य ऊर्जा का घेरा तुम्हारे मस्तिष्क के इस भाग से आता हुआ लग रहा है, इस पर फोकस करता हूँ। डॉक्टर कार्तिक के कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता हुआ कर्सर नागराज के मस्तिष्क के उस हिस्से पर फिक्स हुआ था, और अगले ही पल पिट चट, अरे, मेरे स्कैनर मिरर को ये बैक शॉक कैसे लगा? सारे सर्किट नष्ट हो रहे हैं, मशीन में धुआं भी निकल रहा है, करंट को तुरंत बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर कार्तिक को फुर्ती से स्विच ऑफ कर देने उनकी मशीन को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लिया। कट। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और ये बिल्कुल फ्री है।